इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो अब तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में और इस वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि रियलमी का जो C1 फ़ोन है उसमें बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है कि जो कि 2 GB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो भाई बताएंगे कि इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर आया है, क्या क्या आपको डिफरेंट मिल जाएगा, क्या क्या आपको अलग मिल सकता है, क्या क्या आपको नया मिल सकता है। तो पूरी वीडियो में बने रहे, लास्ट तक देखे, ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग को जाना होगा अपने अपने सेटिंग में और सेटिंग से जाकर फटाफट अपडेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कल रात को कुछ स्क्रीनशॉट रख लिया था, तो इसको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग मिल सकता है जो कि आपको चेंज इस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में आपको मिल जाएगा एडेड नोटिफिकेशन आइकन इन स्टेटस बार, जो कि आपका स्टेटस में आता था ऊपर में कि आपका नोटिफिकेशन आता था, वो चेंज होगा, कुछ नया मिलेगा आपको, उसमें डिजाइनिंग मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया मिल सकता है। ये रियलमी की तरफ से बहुत अच्छा फीचर है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है एडेड ए न्यू नेविगेशन गेस्चर, मतलब वो एक एडवांस सेटिंग में उसके में कुछ डाला है जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर होने वाला है। तो उस फीचर को आप लोग मिस मत कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको यूज करिए, वो बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब बात करते हैं नंबर 3 का, लिखा हुआ है एडेड ऐप ड्रोवर टू कॉलर लंचर, मतलब आपको लंचर में कुछ चेंजिंग मिलेगा जो कि ड्रोवर होगा और ख़तरनाक होगा, फाड़ू लुक मिल सकता है आपको रियलमी की तरफ से, जो कि बहुत बढ़िया अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। और नेक्स्ट हम लोग बात बोलते हैं एडेड राइडिंग मोड, मतलब आप जब बाइक वाइक चलाते होंगे, गाड़ी उड़ी या फिर दौड़ते होंगे, उसका कुछ नया फीचर आने वाला है जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड्रॉयड सिक्योरिटी पिच लेवल, उसको बढ़ाकर कर दिया जाएगा, June 5, 2019 कर दिया जाएगा। उसके बाद UI में भी बहुत सारा अपडेट है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है आपको, और मतलब कोई भी एक जो थीम आपको डिफरेंट सारा थीम मिल सकता है, अलग अलग थीम मिल सकता है, और यहाँ पर बॉर्डर टोर्डर भी चेंज मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन, इसमें एक एडेड होगा, वो एप्लीकेशन है थीम स्टोर उसका नाम रहेगा, जो कि आपके फ़ोन में अभी नहीं है और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आ जाएगा। तो ये सारा आपको चेंज मिल सकता है। और कैमरा में चेंज मिल सकता है, जो कि ये आपका पहले का कैमरा जिस प्रकार आता था वैसा अब की बार कैमरा नहीं आने वाला है, उसमें कुछ आपको परिवर्तन मिलेगा, चेंज मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था रियलमी की तरफ से। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए फटाफट से वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।